मैं आपको बता दूं, फग्गन सिंह कुलस्ते जो हैं वो भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उसके लिए पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए इन्हीं जिनके बारे में बताइए, फग्गन सिंह कुलस्ते का आना मोदी मंत्रिमंडल में। मैं आपको फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि जो भी मंत्रिमंडल में चेहरे आ रहे हैं इनके आप ये समझ लीजिए, ये फिर से मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये नवरत्न साबित होंगे मोदी जी के, और बहुत चुन चुन के मोदी जी ने और अमित शाह जी ने नाम छाटे हैं। और ये कोई दूरेज नहीं होगा कि इस बार का जो मंत्रिमंडल होगा, पिछली बार का मंत्रिमंडल अच्छा था, पर इस बार का मंत्रिमंडल सोने में सुहागा सिद्ध होगा, और ये चरितार्थ करेगा कि मोदी जी का नेतृत्व किस प्रकार से, किस दूरी से काम करेगा, ये मंत्री उसमें साबित होंगे। सही साबित मैं भी बोलना है, मैं फग्गन सिंह कुलस्ते ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ मंत्री मंडल की शपथ लेते हुए पद और गोपनीयता की मैं नहीं बोला था, तो राष्ट्रपति ने कहा कि मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी मैं भी बोली, तो मैं बोलकर फिर अपना नाम लिया उन्होंने और अब उसके बाद शपथ लेते हुए। यहाँ हमारे साथ जनता मौजूद है, अमित शाह को लेकर के यहाँ पर वाकई में लोगों के मन में ये बात है कि अमित शाह के आने से मोदी मंत्रिमंडल और मजबूत होगा, कितने लोग ऐसा मानते हैं, हाथ खड़ा कीजिए तो मैं आप लोगों के पास आऊँ, सभी तकरीबन ये बात मानते हैं जी। क्यों लगता है आपको कि अमित शाह के आने से मोदी सरकार पहले से ज़्यादा मजबूत होगी? बीजेपी को चलाने वाले अमित शाह जी मजबूत नेता रहे हैं और वो इस को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब सरकार में मोदी और शाह की जोड़ी कमाल करेगी ऐसा लग रहा है, कितनों को लगता है ऐसा कि मोदी और शाह की जोड़ी कमाल कर सकती है, क्यों लग रहा है ऐसा? देखिए, मोदी और शाह की जोड़ी, चाणक्य की जोड़ी, मोदी जी और अमित शाह जी ने बहुत काम किया है देश की जनता के लिए। श्री अश्विनी कुमार चौबे, ये अमित शाह जी जो हैं इस पार्टी के चाणक्य हैं, और हमें उम्मीद है कि 5 वर्ष के अंदर इस देश को विकासशील कंट्री से विकसित कंट्री बनाएंगे, जो हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी जी। और देखिए, इस बीच जब आपने अपनी बात कही, बिहार से एक और नाम जो है वो स्वतंत्र प्रभार के लिए सामने आया, राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बक्सर से अपना चुनाव जीते हैं। विनीत चारता जी, आपको लग रहा था कि मंत्रिमंडल में इन्हें जगह मिलेगी इस बार? अच्छा काम किया था और बोलने में भी बेबाक है, और मैं समझता हूँ कि काम की रूपरेखा फिर बताती है कि मोदी जी के जो ये जो नगीने आ रहे हैं चौबे जी, उसमें बहुत अच्छा चरितार्थ साबित होंगे। और बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, बिहार की राजनीति का ये सिरमो मतलब अच्छा चेहरा कहलाए जाते हैं, और काम में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, और मैं समझता हूँ आगे चल के बिहार की राजनीति में, बिहार में हमारे आगामी विधानसभा चुनाव में ये बहुत अच्छा चेहरा साबित अश्विनी कुमार चौबे के बारे में अपनी बात कही तो किसी ने बिल्कुल कहा यहाँ पर, और भी कोई समझ रहा है कि अश्विनी कुमार चौबे का आना बड़ी बात है? बिहार से अश्विनी कुमार चौबे जी, इनका कार्य पिछले हम काफी टाइम से देखते हैं, इनका आना तो एक बहुत बड़ी बात है ही। आपने अमित शाह जी का जिक्र किया था, अमित शाह जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में बीजेपी सबसे ज्यादा चुनाव जीती है, इसलिए भी मंत्रिमंडल में आना उनका बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ी बात है जी। तो देखिए, ये अश्विनी चौबे, रामकृपाल जी बोलिए। चौबे जी एक ऐसे चर्चित चेहरे रहे हैं, ये वाजपेयी जी के भी बहुत खास रहे हैं, और ये जानिए कि बिहार ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पर भी अपना असर डालते हैं, और बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत कद्दावर नेता हैं, और ये संगठन के स्तर पर भी एक बीजेपी के लिए पहचान भी है। बिल्कुल, तो अश्विनी चौबे ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, और अब जानकारी हमें ये मिल रही है कि अब राज्य मंत्री शपथ ले रहे हैं। देखिए, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नहीं, राज्य मंत्री शपथ ले रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान से आते हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री रहे, बीकानेर से अपना चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। और इनके बारे में मैं एक बात आपको बता सकती हूँ, अर्जुन राम मेघवाल के बारे में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बहुत पॉपुलर है, ये उन चंद सांसदों में से रहे हमेशा जिनको विषयों की बड़ी पूर्ण जानकारी होती है, एकदम जमीन से जुड़े नेता। विनीत शारदा जी, मैं गलत कह रही हूँ? अर्जुन राम मेघवाल के बारे में कहा जाता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत ज्यादा जुड़ने वाले नेताओं में से, ये आईएएस अधिकारी रहे, उसका पिछली सरकार में मंत्री रहे, वित्त राज्य मंत्री रहे, उसके बाद अभी गडकरी जी के साथ राज्य मंत्री रहे, इन्होंने काम करके दिखाया, ये व्यक्ति जमीन से जुड़ा व्यक्ति है, और अपनी लोकसभा में भी साइकिल से चलना और वहां से लोकसभा साइकिल से आना दिखावा नहीं था, ये व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए, इन्हें पता है कि मेरे जनता के दर्द क्या होते हैं, जनता की तकलीफें क्या होती हैं, इस व्यक्ति ने वो काम किया, क्योंकि मैंने इनके साथ कई व्यापारी सम्मेलनों में मेरे साथ मैंने रहे, ये मैंने इनका देखा है कि जनता को मोहना जानते हैं, अपने काम से भी, अपने नाम से भी, और अपने उनके जो अपनी स्टाइल है, स्टाइल शैली की वजह से भी। संक्षेप में बोलिए,
एक चीज और भी है, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, वहाँ पे किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का बहुत लंबे क्षेत्र को कवर करना होता है, उसमें इस टाइप के नेताओं ने एक अलग जो है पहचान बनाई कि किस तरह से बहुत बड़े एरिया में हर जगह जाके कस्बे गांव अपनी अपने आप को वहां पे विजिबल रखना, तो वो उस तरह का काम इन लोगों ने किया। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के मदन मेघवाल को इन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया है। और एक बात अर्जुन राम मेघवाल के बारे में कही जाती है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता की नब्ज जानते हैं, ये पकड़ते हैं मुद्दों पर बड़ी बेबाक राय रखते हैं और आमतौर पर बहुत ही नॉलेजेबल किस्म के इंसान है। वीके सिंह गाजियाबाद से जीते थे जनरल वीके सिंह, और राज्य मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए जनरल वीके सिंह बड़े बेबाक भी माने जाते हैं जनरल वीके सिंह। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार मोदी की टीम इंडिया बनती हुई, और कौन अपनी बात यहाँ पर रखना चाहता है? सच्ची श्रद्धा जी वीके सिंह, वीके सिंह तो बेबाक आदमी है, मगर मैं दोनों हाथ जोड़कर मोदी जी की माता जी को नमन करता हूँ, क्योंकि ऐसा सपूत पैदा किया जो देश के लिए मर मिटने को तैयार है, ऐसे ऐसे माता को सच्चा नमन। जी वीके सिंह की भी अगर बात की जाए, देखिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर तो वोट पड़ा ही, 303 सीटें अकेले अगर बीजेपी को मिली तो आप समझ सकते हैं कि इस जीत का महानायक कौन था। लेकिन अब मंत्रिमंडल के जो चेहरे आ रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत अहम रहेंगे। अनुराग जी एक बात बताइए, पिछला कार्यकाल जनरल वीके सिंह का जो उनकी अपनी एक छवि रही है, उस सब ने किस तरह से एक तरह से उनको प्रोपेल किया है कि इस मोदी कैबिनेट में भी राज्य मंत्री का पद वो संभाल रहे हैं? देखिए जनरल वीके सिंह के साथ एक जिस तरह से जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई है और उसके पहले जो चुनाव प्रचार चला इनके साथ जो कंट्रोवर्सी रही, उस तरह से उस समय से कुछ हद तक भाजपा ने इनको अपना जो एक फौज के साथ खड़े होके एक तरह से पोस्टर बॉय की तरह ये रहे भाजपा सरकार में, तो इनका सरकार में बने रहना बहुत ही हद तक लाजमी है। और हालांकि इनके विरोधियों ने इनके ऊपर बहुत इनकी कार्यशैली को लेकर बहुत ज़्यादा इनकी आलोचना करी, उसकी वजह से कुछ इनके कुछ इफ एंड बट्स भी थे, लेकिन इन्होंने सारे विरोधियों को दरकिनार करके सारी आलोचनाओं को अलग करके दोबारा से चुनाव जीता और आज शपथ ले रहे हैं। तो जी बिल्कुल, और देखिए मेरे ख्याल में अगर मैं सही से सुन पाई तो शायद मैं कृष्णपाल गुर्जर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब देखिए इतनी सारी तालियां कृष्णपाल गुर्जर के लिए यहाँ पर बजी हैं, तो अब जिन जिन्होंने ताली बजाई है वो मुझे बताइए क्यों खुश हैं आप मोदी सरकार में इनके शामिल होने से, बताइए। ये पहले से ही बहुत अच्छे आदमी हैं, ये MLA भी रहे हैं, जब भी अच्छे काम करें पीछे भी बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं और अब भी अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, और बताइए कृष्णपाल गुर्जर के बारे में आप भी कुछ कहना चाहती हैं, इनका मोदी मंत्रिमंडल में आना, मंत्री बनना बहुत खुशी की बात है, इनका मोदी मंत्रिमंडल में आना, क्योंकि की बदौलत अब पीछे मंत्री थे, इन्हीं की बदौलत हमारे फरीदाबाद के अंदर चमक आ रही है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है और बहुत ही अच्छा काम किया। और कौन कृष्णपाल गुर्जर के बारे में अपनी बात रखना चाहता है जी, क्योंकि मुझे लग रहा है फरीदाबाद से भी कई लोग आए हुए हैं, यहाँ से दूसरी बार सांसद चुने हैं, बोलिए। ये फरीदाबाद में बहुत लोकप्रिय नेता है। अच्छा, और सबको साथ सबका विकास लेके चलते हैं, और अब की बार इन्होंने फरीदाबाद से बहुत बड़ी जीत हासिल की है, पूरे 6,38,249 वोटों से जीते हैं। अनुराग जी बोलने की जरूरत नहीं है मुझे क्यों रामकृपाल जी है, तो यहाँ जनता ही वोट दे रही है इनके ऊपर कृष्णपाल गुर्जर, और तालियां बज रही हैं जबरदस्त। निश्चित रूप से आप बताइए, करीब करीब 6,40,000 से जो जीता होगा आप उसकी लोकप्रियता समझ सकते हैं, और किसको हराया इन्होंने, बडाना को, जो की बहुत माना जा रहा है।